हेलो स्टूडेंट्स कैसे हैं आप सब लोग आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है जर्नल यकीन मानो क्लास ये पूरे कॉमर्स अकाउंटेंसी में इलेवेंथ ट्वेल्थ की बात नहीं करूंगा ना ही ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की बस इतनी बात करूंगा कि ये कॉमर्स का अकाउंटेंसी का बेस है तो अगर आपके पास अकाउंट सब्जेक्ट है और आपको ये चैप्टर नहीं आता तो आपको कहीं ना कहीं किसी ना किसी चैप्टर में प्रॉब्लम आएगी और आप अटकोगे आप सोचोगे ये क्या हो गया कैसे हो गया तो पूरी लर्निंग आपकी जो है ना क्लास थोड़ी डिफिकल्ट हो जाएगी तो आज मैं तुम्हें ये चैप्टर इतनी बेहतरीन तरीके से सिखा दूंगा कि आप मेरी बात मानते चलोगे मैं तीन चार क्लास के अंदर ये चैप्टर खत्म करूंगा रेगुलर बेसिस पे और तुम्हारा जर्नल इतना स्ट्रांग कर दूंगा तुम्हारे मिड टर्म हो यूटी हो एस हो चाहे प्री बोर्ड हो या क्लास ट्वेल्थ हो या ग्रेजुएशन हो रियल लाइफ में आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे हो तो भी ये काम आता है क्लास बहुत इंपॉर्टेंट आप किसी चार्ड अकाउंटेंट से पूछो सीनियर से पूछो ये जर्नल कितना इंपॉर्टेंट होता है मैं तुम्हें तो आज एंट्री बनाना सिखाऊंगा राइट मैंने आप सबको जब शुरू में पढ़ाया था मेरी पहली क्लास अकाउंटेंसी की याद करो मैंने कहा था अकाउंटिंग बेसिकली क्या है आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग उसके बाद क्लास आइडेंटिफाइंग मेजरिंग रिकॉर्डिंग फिर क्लासिफाइंग समराइजिंग तो यहां पे हम जो करने वाले हैं वो रिकॉर्डिंग है यानी कि साल भर में जो भी कुछ हुआ है उसे यहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे प्राइमरी बुक में ठीक है प्राइमरी बुक में यानी कि यहाँ पे पहली बार चीजों को रिकॉर्ड किया जाता है एक फॉर्मलाइज वे में जिसको हम लोग जर्नल बोलते हैं जर्नल इज अ बुक इन विच ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन द ऑर्डर इन विच दे आर एंटर्ड यानी जैसे जैसे ट्रांजेक्शन होते चले जाएंगे साल भर में वैसे वैसे हम लोग उसको रिकॉर्ड करते चले जाएंगे लाइक क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर मतलब डेट वाइज टाइम बेसिस पे स्टार्ट के अंदर पढ़ोगे मैं पढ़ाऊंगा आपको टाइम बेसिस पे लाइक like, पांच तारीख को जो एंट्री हुई है वो पांच को रिकॉर्ड होगी सात वाली पांच के बाद होगी नौ तारीख वाली सात के बाद होगी और ग्यारह तारीख वाली लास्ट uh, में होगी पंद्रह तारीख वाली और उसके बाद में होगी लाइन बाय लाइन डेट वाइज डेज जैसे जैसे डेट होगा वैसे वैसे एंटर करते चले जाएंगे कुल मिला के सीधी सीधी बात सर बिजनेस में जो भी ट्रांजेक्शन हो रहे हैं ना उनको रिकॉर्ड करना ही क्या कहलाता है क्लास जर्नल और हम इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिकॉर्ड करेंगे राइट right? जर्नल को प्राइमरी बुक भी कहा जाता है या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री ध्यान समझना जर्नल को प्राइमरी बुक या बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं ओके बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री या प्राइमरी बुक डन अब ये क्लास जर्नल का फॉर्मेट नोटबुक निकालो कॉपी निकालो क्लास और बनाना चालू करो मैं तुम्हें एक, एक करके समझाता हूँ ये जर्नल का फॉर्मेट है यानी कि आप इसी के अंदर क्लास जर्नल रखोगे एग्जाम्पल सबसे पहला कॉलम आता है यहाँ पे डेट का डेट मतलब ये ट्रांजेक्शन किस डेट को हुआ है पर्टिकुलर्स यानी कि क्या ट्रांजेक्शन हुआ है फिर मैंने आपसे कहा था कि ड्यूअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट में एक चीज डेबिट होगी और एक चीज क्रेडिट होगी बिजनेस के अंदर जो भी कुछ हो रहा है उसमें एक डेबिट होगा और उतना ही अमाउंट क्रेडिट भी होगा तो कितने से डेबिट हुआ कितने से क्रेडिट हुआ ये वो है और इसको बोलते हैं क्लास लेजर फोलियो लेजर फोलियो क्योंकि अभी हम जर्नल पढ़ रहे हैं हम लोग अगला चैप्टर लेजर पढ़ेंगे तो जो जर्नल हम लोग पढ़ रहे हैं ना क्लास इस जर्नल के बाद रिकॉर्डिंग के बाद क्लासिफाइंग होगा सबका अलग अलग खाता बनेगा तो जर्नल यहां पे है तो इसका लेजर कौन से पेज नंबर पे है उसके लिए क्लास बनता है लेजर फोलियो तो मैं पूरे सिलेबस में कभी भी इस कॉलम को भरने की नौबत नहीं आएगी ना ही क्लास इलेवंथ में ना ही क्लास 12th में ना ही ग्रेजुएशन में ना ही पोस्ट ग्रेजुएशन में ये कॉलम रियल लाइफ में भरा जाता है पेज नंबर डाला जाता है जैसे आपकी होता है ना कॉन्टेंट लिखा रहता है आपकी बुक के शुरू में कि एडमिशन चैप्टर या लेजर चैप्टर जो चैप्टर इस पेज नंबर पर है ये कुछ उसी तरीके से पेज नंबर है और इसका कुछ नहीं करना है राइट तो डेट किस डेट को हुआ पर्टिकुलर

कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट मान लो पंद्रह जुलाई को आपने बेचा है पंद्रह जुलाई दो हजार बाईस को एंट्री क्या करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट पचास हजार का सेल किया तो कैश अकाउंट डेबिट कैश अकाउंट डेबिट तो यहाँ पचास हजार टू सेल्स अकाउंट ये क्रेडिट है तो यहाँ पे पचास हजार यहां पे डेबिट का मतलब डेबिट और टू का मतलब है क्रेडिट तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट ये एक जर्नल एंट्री है अब ये एंट्री किस चीज की है इसकी डिटेल हम लिखेंगे नरेशन में राइट तो नरेशन क्या लिख दोगे आप सेल्स ऑफ रुपीज फिफ्टी थाउजेंड मेड फॉर कैश आपने सेल्स किया है आपने बदले में पैसा लिया है इसको बोलते हैं पूरा का पूरा जर्नल ये हो गया जो लिखते हैं ना ब्रैकेट में नीचे छोटा सा इसको बोलते हैं नरेशन क्या बोलते हैं नरेशन ये डेट किस डेट को हुआ है पर्टिकुलर्स तो डेबिट अमाउंट और क्रेडिट अमाउंट और ये हो गया क्लास नरेशन डेबिट क्रेडिट हमेशा मैच करेगा ये हो गया आपका नरेशन इसको बोलते हैं क्लास एंट्री तो अगर हम सामान बेच रहे हैं तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट होगा खरीद रहे हैं तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट होगा अब सवाल यह है कि सर सामान खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो कैश को डेबिट ही क्यों डेबिट ही क्यों किया बेचते वक्त जब हम सामान को बेच रहे हैं तो कैश को आपने डेबिट क्यों किया इसका रीजन मैं तुम्हें पहले ही समझा चुका हूं कि कैश क्या होता है एसेट असेट का बैलेंस डेबिट होगा याद है रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट में तो असेट बढ़ेगा तो डेबिट करोगे तो कैश असेट है असेट बढ़ेगा डेबिट करोगे सेल्स आपकी इनकम होती है रेवेन्यू होता है और रेवेन्यू क्या होता है क्लास क्रेडिट तो कैश असेट है तो जब भी पैसा आएगा बढ़ेगा डेबिट घटेगा क्रेडिट आपको कैश अकाउंट ही बनाना सिखाया था रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट की वीडियो में तो यहाँ मैं क्लास पिन कर दे रहा हूँ रूल्स ऑफ डेबिट डेबिट क्रेडिट की वीडियो आई बटन पे तो आप आई बटन पे जाके आप चेक कर सकते हो राइट या प्ले के अंदर भी चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा तो आज मैं तुम्हें काफी सारी एंट्री सिखाऊंगा मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि कि बच्चे से कि आप हर एक एंट्री कमेंट सेक्शन में लिखो या पेज में लिखो टाइम लगेगा आधा घंटा लगे, लगे, एक लगे। ये वो जो आपको ढंग से सीखना है अगर तुम ये सारी एंट्री सीख गए ना क्लास तो मैं यकीन मानो पूरे मानोथ में ना जर्नल में लेजर में ट्रायल बैलेंस में दिक्कत नहीं आएगी आ, और भी बहुत सारे चैप्टर्स है लाइक बिल ऑफ एक्सचेंज रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स उनमें भी तुम्हें कोई दिक्कत नहीं आएगी और ट्वेल्थ में तुम बिल्कुल परफेक्ट फील करोगे यानी कि जो बच्चा क्लास इलेवंथ का जर्नल चैप्टर पूरा पढ़ने के बाद

तो सम द मोस्ट इंपॉर्टेंट जनरल एंट्री जो क्लास हर बिजनेस में होता ही होता है आज हम वो डिस्कस करेंगे एंट्री हजारों हो सकती है सर क्या कोई एंट्री की लिमिट है इतनी एंट्रीज होती हैं हम इसे याद कर लें नहीं हर चीज़ जो बिजनेस में हो रहा है ना उसकी एक जनरल एंट्री बन जाती है और बिजनेस में कितनी चीज़ें हो रही हैं वो लिखी थोड़ी है कि इतनी चीज़ें होंगी कुछ भी हो, आग लग गई स्टॉक चोरी हो गया या फिर आपने कुछ बेचा खरीदा अगड़म झड़म बहुत सी एंट्रीज़ होती है कोई लेके पैसा लेके भाग गया फिर कहीं से कुछ मिल गया जो भी बिजनेस में हो रहा है सबकी जनरल एंट्रीज़ होती हैं तो हम एंट्री बनाना सीखेंगे और जो कॉमन एंट्रीज होती हैं जो आपके पेपर में आएगा आए ही आएगा वो सारी मैं आपको लिखवा दूंगा आप उन्हें लर्न कर लेना रीजन के साथ कि हाँ इसको डेबिट क्यों किया इसको क्रेडिट क्यों किया तो पहले आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा हाँ ये एंट्री है या आप याद कर लो फिर आप अपने हिसाब से रीजन समझ लो तो नियर फ्यूचर जब कोई ट्रांजेक्शन होगा तो मैं उसकी एंट्री तुमने कभी पढ़ी नहीं है तुम अपने आप से भी बना सकते हो उस एंट्री को और जहां डाउट हो कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना बस वीडियो को एंड तक ध्यान से अच्छे समझो तुम्हें पूरा समझ आ जाएगा डुअल एंट्री सिस्टम के अकॉर्डिंग क्लास आपको पता है कि एक एक, एक चीज डेबिट होगी तो दूसरी चीज क्रेडिट भी होगी अभी हमने हमने आप अभी आपको एक एंट्री दिखाया कैश अकाउंट अकाउंट डेबिट टू सेल्स तो एक डेबिट हुआ हुआ तो दूसरा क्रेडिट भी हुआ, राइट अब हाउ टू मेक जनरल एंट्री अब तुम जनरल एंट्री करोगे कैसे पास तो मैं बता दूं पहले जनरल एंट्री में हमेशा एक डेबिट होगा और एक क्रेडिट होगा और डेबिट क्रेडिट हमेशा क्या होगा क्लास इक्वल होगा अब मैं तुम्हें कुछ एंट्रीज करके दिखाता हूं तुम क्लास समझना अच्छा बिज़नेस में आपने पैसा लगाया ये आपकी क्लास एलेवेंथ की पहली एंट्री है आपने इंट्रोड्यूस कैपिटल बिज़नेस में आपने पैसा लगाया तो आप मुझे बताओ क्लास क्या चीज़ डेबिट होगा क्या चीज़ क्रेडिट होगा अगर आप बिजनेस में पैसे लगाते हो तो इसकी जो जनरल एंट्री है वो पता क्या होगी तो अगर आपने कैश लगाया तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दोगे कुछ बच्चे बोलते हैं सर ये बिजनेस में जो पैसा लगाया चेक के थ्रू लगाया मतलब बैंक में आपने पैसा डाला है तो कैश की जगह बैंक को डेबिट कर दो जैसे तुम्हारी मर्जी कुछ बच्चे बोलते हैं सर कैश बैंक दोनों लगाया तो हम दोनों को डेबिट करें कैसे मैं दिखाऊंगा राइट तो बिजनेस में मान लो आपने पैसा लगाया दस लाख रुपए तो इसकी एंट्री पता है क्या होगी बिजनेस में पैसा आ गया तो कैश अकाउंट को डेबिट कर दिया क्योंकि क्या देखो अगर आप बिजनेस में पैसा लगा रहे हो ध्यान से देखना तो क्या होगा आपके बिजनेस में पैसा आएगा साथ में कैपिटल बढ़ेगा अच्छा इंट्रोड्यूस कैपिटल क्या आपने अकाउंटिंग इक्वेशन में ये पढ़ा नहीं है कैश में प्लस करते थे और कैपिटल में प्लस करते थे इंट्रोड्यूस कैपिटल अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो ये कर रखा है ना अपने अकाउंटिंग इक्वेशन में कैश में प्लस कैपिटल में प्लस तो बिजनेस में ओनर ने पैसा लगाया तो कैश बढ़ेगा कैश क्या होता है असेट रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट कैश असेट है तो असेट का बैलेंस डेबिट तो बढ़ेगा तो क्या होगा डेबिट घटेगा तो क्या होगा क्रेडिट कैश बढ़ेगा डेबिट कैश घटेगा क्रेडिट तो बिजनेस में पैसा लगा रहे हैं तो बिजनेस में कैश आ रहा है इसीलिए कैश डेबिट हो गया और कैपिटल का बैलेंस क्या होता है क्रेडिट आपको पता है ना आपको बता रखा था असेट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट आपको एक निमोनिक कोड भी बताया था आपको आप कमेंट सेक्शन में लिख के दिखाओ जो मैंने तुम्हें कोड बताया था राइट असेट डेबिट लाइबिलिटी क्रेडिट ड्राइंग ड्राइंग डेबिट होता है कैपिटल क्रेडिट होता है लॉस डेबिट एक्सपेंस डेबिट इनकम क्रेडिट है ना रेवेन्यू क्रेडिट तो कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट तो जो जनरल एंट्री होगी वो क्या होगी क्लास कैश अकाउंट डेबिट मान लो पांच लाख रुपए लगा दिए ओनर ने बिजनेस में तो कैश अकाउंट डेबिट पांच लाख टू कैपिटल अकाउंट इसी को आप फॉर्मेट के अंदर रख दोगे तो बन गया पूरा का पूरा जनरल एंट्री तो फॉर्मेट के अंदर रखा करो खासकर जब पेपर में तो फॉर्मेट बनाना जरूरी होता है बींग आप लिख दोगे कैपिटल इंट्रोड्यूस सीधे नरेशन लिख दोगे क्लास की कैपिटल इंट्रोड्यूस बाई जो भी है उसका नाम लिख दोगे तो पैसा जब भी लगता है बिजनेस में तो एंट्री क्या करते हैं कैश टू कैपिटल पहले जितनी भी नरेशन हुआ करती थी ना बींग से शुरू होता था बींग कैपिटल इंट्रोड्यूस लेकिन अब आप बींग के बिना भी डायरेक्टली भी लिख सकते हो वो भी करेक्ट है चलेगा तो बिजनेस में जब भी पैसा लगाते हैं तो एंट्री क्या होती है कैश टू कैपिटल अब सिंपल एंट्री क्या होती है सिंपल एंट्री वो एंट्री होती है जहां पे एक चीज डेबिट और एक चीज़ क्रेडिट होगी लाइक like कैश डेबिट और कैपिटल क्रेडिट एक चीज़ डेबिट एक चीज़ क्रेडिट दूसरी होती है कंपाउंड एंट्री जहाँ पे एक से ज़्यादा डेबिट या एक से ज़्यादा क्रेडिट या दोनों भी हो सकते हैं एग्जाम्पल अगर मैं आपसे बोलूं कि बिजनेस में पांच लाख रुपए लगाया है लेकिन कैश लेके आया है तीन लाख रुपए तो कैश अकाउंट डेबिट कैश कितना आ गया तीन लाख दो लाख रुपए ना घर से अपने कुछ स्टॉक लेके आया है घर का जो माल है ना वही लेके आ गया है तो कैश अकाउंट डेबिट स्टॉक अकाउंट डेबिट स्टॉक आ गया कितने का दो लाख का या चेक लाया है तो बैंक डेबिट टू कैपिटल पांच लाख तो मैं बिजनेस में पांच लाख रुपए लगा रहा हूं जिसमें से तीन लाख रुपए कैश में लगाऊंगा और दो लाख का घर से ही स्टॉक ला के लगाऊंगा तो यहाँ पे दो चीज डेबिट हो गई कैश डेबिट स्टॉक डेबिट टू कैपिटल तो ये जो एंट्री है उसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री सिंपल एंट्री में एक ही डेबिट फिगर एक ही क्रेडिट कंपाउंड एंट्री में एक से ज्यादा डेबिट या एक से ज्यादा क्रेडिट तो दो एंट्री को मर्ज करके हम इसे कंपाउंड एंट्री बनाते हैं दो एंट्री को मर्ज करके राइट right? यानी कि कैश आया तीन लाख स्टॉक आया दो लाख टोटल कैपिटल कितनी आई है पांच लाख की तो इसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री तो तुम्हें पहली एंट्री सबको क्लियर हो गई क्लास पहली एंट्री अपनी कॉपी में लिखो क्लास यही करके सारी एंट्री देखते हैं ठीक है मैं यहाँ पे फिर से लिख देता हूँ कैपिटल ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो अब फटाफट -फड़ जरा एंट्री लिखना स्टार्ट करो मैं तुम्हें एक एक करके सारी जनरल एंट्री लिखवा रहा हूं और तुम क्लास उसको अच्छे से लर्न करोगे तुम्हारी जिम्मेदारी है अगली क्लास में आओगे तो प्लीज ये एंट्री लर्न करेला मैं बोल रहा हूँ बिना इस एंट्री के बात नहीं बनेगी बिना इन एंट्रीज के आप इस चैप्टर को भी आगे नहीं बढ़ा पाओगे हम लोग अगली क्लास में क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करेंगे बट फिलहाल आप ये बेसिक एंट्री इंट्रोड्यूस कैपिटल तो जब भी ओनर बिजनेस में पैसे लगाता है तो आप एंट्री क्या पास करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल फॉर्मेट आप बना लेना क्लास मैं नॉर्मली लिख रहा हूँ फटाफट फटाफट कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट अगर बिजनेस में पैसा लगाया है तो आप जनरल एंट्री क्या पास करोगे कैश टू कैपिटल बी नरेशन में तो वही लिखोगे आप जो हो रहा है लाइक इंट्रोड्यूस कैपिटल है तो इंट्रोड्यूस कैपिटल राइट तो पैसा लगाने की एंट्री कैश टू कैपिटल अच्छा सुनो अगर वो चेक से पैसा लगा देता है तो वो घर से चेक से पैसा लगा देता है तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैपिटल भैया कैपिटल तो क्रेडिट ही होगा बट कैश की जगह क्लास अब क्या आ जाएगा बैंक बैलेंस यहाँ कैश की जगह क्लास क्या आ जाएगा बैंक बैलेंस तो पैसा लगाता है बिजनेस में तो कैश टू कैपिटल चेक से पैसा लेके आता है तो बैंक टू कैपिटल राइट अच्छा अगर वो घर से ना कुछ एसेट ले आता है बिल्डिंग मशीनरी या स्टॉक ले आता है राइट right? तो कुछ भी अगर वो लेके आता है तो जो भी कुछ वो लेके आ रहा है कोई स्टॉक ला रहा है या कोई असेट ला रहा है वो डेबिट टू क्या कर दोगे क्लास कैपिटल राइट बात समझ आ गई तो आप इन तीनों को मर्ज भी कर सकते हो जब इन तीनों को मर्ज कर देंगे तो उसे बोलते हैं कंपाउंड एंट्री कैसे कैश ला रहा है दो लाख बैंक से ला रहा है तीन लाख स्टॉक ला रहा है पांच लाख का सबको जोड़ के टू कैपिटल दस लाख पूरा का पूरा ये हो गया कंपाउंड एंट्री आप अलग अलग भी कर सकते हो आप एक साथ कंपाउंड एंट्री भी कर सकते हो जब अलग अलग करते हो तो ये सिंपल एंट्री है सबको एक साथ मिला करते हो तो वो कंपाउंड एंट्री है क्या आपको एक एंड देखो इसे तीन मत समझना जो भी कुछ तुम लेके आ रहे हो ऐसे लैंड लेके आ रहे हो बिजनेस में लैंड टू कैपिटल बिल्डिंग ला रहे हो तो बिल्डिंग टू कैपिटल मशीन ला रहे हो मशीन टू कैपिटल कैश ला रहे हो कैश टू कैपिटल स्टॉक ला रहे हो स्टॉक टू कैपिटल जो भी कुछ तुम लेके आ रहे हो वो डेबिट कर दो टू कैपिटल तो बिजनेस में जब ओनर पैसा लगाता है तो उसकी ये एंट्री होती है कॉपी में लिख लो क्लास अच्छे से समझना कमेंट करके मुझे बताना भी कि तुम्हें समझ आ रहा है कि नहीं और सारे दोस्तों को भी शेयर करना वीडियो कि जर्नल मैं तुम्हें सिखा रहा हूं चैप्टर शुरू हो चुका है बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छे से तुम्हें पूरा समझ आने वाला है राइट अब इसके बाद ड्रॉइंग्स तो अब ड्रॉइंग में क्या होता है आप अकाउंटिंग इक्वेशन याद करो ड्रॉइंग्स का बैलेंस डेबिट होता है पता है ना कैपिटल क्रेडिट होता है ड्रॉइंग डेबिट होता है रूल्स में पढ़ रखा है और अकाउंटिंग इक्वेशन में ड्रॉइंग अगर हम करते हैं तो बिजनेस से कैश माइनस कर देते हैं पैसा निकाल लिया प्राइवेट यूज़ के लिए उसी को तो ड्रॉइंग बोलते हैं तो पैसा कम हो गया साथ में ड्राइंग डेबिट हो गया तो ड्राॅइंग्स की जो जनरल एंट्री होती है वो होती है क्लास ड्राॅइंग्स अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट सर कैश क्रेडिट क्यों हुआ क्योंकि पैसा चला गया कैश का रूल क्या है आएगा डेबिट जाएगा क्रेडिट तो पैसा चला गया इसीलिए कैश क्रेडिट हो गया और ड्राइंग का बैलेंस तो होता ही डेबिट आप जानते ही हो तो ड्राइंग्स की एंट्री क्या हो गया क्लास ड्राइंग्स टू कैश कैपिटल में कैपिटल का बैलेंस तो होता ही क्रेडिट है और पैसा आएगा तो डेबिट तो कैश टू कैपिटल पैसा आ रहा है यहाँ पैसा जा रहा है ड्राइंग्स टू कैश मेरी बात समझिए क्लास यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी जरा मुझे बता दो तो अगर कैपिटल लेके आ रहे हैं तो कैश टू कैपिटल है ना और अगर पैसा निकाल के ले जा रहे हैं ड्राइंग्स कर रहे हैं तो एंट्री क्या होगी क्लास ड्राइंग्स टू कैश ये दो एंट्री पहले दिमाग में सेट करो पैसा लगाया कैश टू कैपिटल ड्राइंग किया तो ड्राइंग टू कैश याद रखना कैसे बोलते हैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट नेक्स्ट परचेजेस अब ये वो एंट्री है जो आमतौर पे बिजनेस में होता ही होता है आज मैं सारी कॉमन एंट्री की बात करूंगा जहां पे पेपर में तुम्हें दस में से नौ एंट्री इन्हीं टॉपिक से मिलेगा सो so आज की जो पहली क्लास है फर्स्ट पार्ट है दैट इज वेरी मच इंपॉर्टेंट ड्राइंग्स की बात करते सॉरी परचेजेस की बात तो हम नगद भी खरीद सकते हैं उधार भी खरीद सकते हैं तो परचेस दो तरीके से हो सकता है क्लास कैश एंड क्रेडिट राइट परचेज दो तरीके से हो सकता है कैश परचेज ठीक है गुड्स परचेज फॉर कैश या हम उधार खरीदते हैं क्रेडिट परचेज तो क्या एंट्री होगी तो अगर हम नगद खरीदेंगे तो होगा क्या मुझे बताओ अगर हम कोई सामान खरीदते हैं तो क्या होता है परचेज एक्सपेंस होता है ना तो एक्सपेंस डेबिट होगा भाई मेरी बात ध्यान सुनो purchase expense है रहे खर्चा, sale revenue है sale income है purchase expense है खर्चा और आप जानते हो expense debit होता परचेज अकाउंट so, को डेबिट करोगे टू कैश क्योंकि आपने पैसे दे दिए तो एंट्री क्या होगी परचेज टू कैश अब कुछ बच्चे बोलते हैं सर चेक से पेमेंट दिया होगा तो अरे भाई फिर कैश की जगह बैंक लिख देना

लेकिन टू कैश नहीं आएगा फिर आ जाएगा टू क्रेडिटर्स अकाउंट तो एंट्री क्या होगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट आप एंट्री क्या करोगे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट यहाँ पे परचेजेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर क्रेडिटर वो लोग हैं जिनसे आपने उधार खरीदा है तो देखो दोनों ही केस में आप ना थोड़ा सा लिंक बनाओ ऐसे आपको लगेगा इतनी सारी एंट्री सर ने लिखवा दी नहीं परचेज़ का एक ही एंट्री है परचेज डेबिट होगा पैसे दे रहे हो तो टू कैश चेक दे रहे हो तो टू बैंक उधार खरीद रहे हो तो टू क्रेडिट अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर मान लो मान लो आपने पचास हज़ार का नकद खरीदा दस हज़ार का उधार खरीदा है ना तो ये पचास से हो जाएगा और ये दस से तो अगर मैं इन दोनों एंट्री को कंबाइन करूं एक कंपाउंड एंट्री बनाऊं तो मैं क्या करूंगा ध्यान समझना तो मैंने परचेस किया है साठ हज़ार का है ना पचास का नगद खरीदा है दस का उधार खरीदा है तो परचेज कितने से हो गया बेटा साठ हजार से टू कैश लेकिन पैसे मैंने कितने दिए हैं पचास हजार है ना और टू क्रेडिटर उधार कितना खरीदा है मुझे बताओ दस हजार तो इन दोनों एंट्री को मर्ज करके मैं अलग अलग ना करके एक ही एंट्री भी पास कर सकता हूँ इसको बोलते हैं कंपाउंड एंट्री मर्जी तुम्हारी अभी नया नया सीख रहे हो तो अलग अलग ही करो लेकिन बाद में धीरे धीरे तुम कंपाउंड एंट्री का मतलब भी समझ जाओगे तो यहां पे, कितने से हुआ? 50. यहां से, यहां पे कितने से डेबिट हुआ हुआ से 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 पे कितने कितने डेबिट डेबिट तो कुल हो गया साठ हजार से टू कैश या बैंक पचास हजार टू क्रेडिटर दस हजार तो आप एंट्री पास करोगे परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर राइट कैश के सामने पचास क्रेडिटर के सामने दस तो ये कंपाउंड एंट्री होगी मुझे बताओ क्लास परचेज की एंट्री क्लियर है बस तुम्हें इतना ही ध्यान रखना है कि परचेज खर्चा है एक्सपेंस उसको डेबिट करेंगे रूल्स ऑफ डेबिट क्रेडिट के अंदर पढ़ा चुका हूं मैं आपको राइट right? तो एंट्री क्या होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट उधार खरीदते हैं तो एंट्री क्या होगी परचेज अकाउंट डेबिट टू क्रेडेट अकाउंट राइट अच्छा अगर आप किसी से उधार खरीदते हो तो कल को ऐसा भी तो हो सकता है ना कि आप रिटर्न कर दो भाई तुमने खरीदा तुम्हें पसंद नहीं आया तुम रिटर्न भी कर सकते हो अगर तुम्हें पसंद नहीं आया देखो नगद वालों को मुश्किल होता है रिटर्न करना बट उधार वालों को तो रिटर्न कर सकते हो तो जब रिटर्न करोगे तो वैसी ऐसी एंट्री को पलट देना रट्टा मत मारना रिटर्न की एंट्री मुझे नहीं याद है सच कहूंगा मुझे रिटर्न की एंट्री नहीं याद है मुझे परचेज की एंट्री पता है परचेज टू कैश परचेज टू क्रेटर इस एंट्री को पलट दो उल्टा कर दो आपकी रिटर्न की एंट्री तो परचेज टू क्रेटर है तो एंट्री क्या हो जाएगी क्रेडिटर्स खत्म हो गया पहले क्रेटर क्रिएट हुआ था अब खत्म हो गया टू परचेज की जगह बस साथ में रिटर्न लिख देना तो परचेज रिटर्न की जो एंट्री होगी वो क्या होगी क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न कॉपी पेन लेके लिख लिख के तुम्हें याद करना पड़ेगा लिख लिख के याद करना ठीक है लिख लिख के कि हाँ देखो सर ने जैसे लिखवाया है इसको पलट देंगे रिटर्न की एंट्री हो गई कुछ लोग परचेज रिटर्न को ना रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं सॉरी रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं लिखो परचेस रिटर्न को रिटर्न आउटवर्ड भी कहते हैं कि भाई रिटर्न आउट हो गया बाहर चला गया है ना तो ये एंट्री है अच्छा एक एंट्री और अगर आपने उधार सामान खरीदा है आपने उधार सामान खरीदा है ना तो आप कभी ना कभी तो पेमेंट करोगे ना उनको कभी ना कभी तो पेमेंट करोगे पेमेंट मेड टू क्रेडिटर्स आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो जब आप क्रेडिटर्स को पेमेंट करोगे तो आप एंट्री क्या पास करोगे क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिट भाई देखो आपने उधार बेचा क्रेडिटर्स को क्रेडिट किया अब आप इसे पैसा देने जा रहे हो तो क्रेडिटर्स डेबिट और टू कैश कैश क्रेडिट क्यों हुआ क्योंकि तो पैसा जाता है तो क्रेडिट कैश का तो रूल ध्यान रखना भैया पैसा आएगा तो डेबिट पैसा जाएगा तो क्रेडिट कैश इन डेबिट कैश आउट क्रेडिट राइट तो कैश परचेज समझ आ गया क्रेडिट परचेज समझ आ गया क्रेडिटर क्रेडिट पेमेंट करते हो तो वो डेबिट टू कैश और उधार आपने रिटर्न हो गया तो क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न इसका बिल्कुल उल्टा इसे लिखो एक बार पॉज करके फिर मैं तुम्हें एक चीज दिखाता हूँ तुमको ठीक है इसे लिखो काफ़ी नॉलेज बना दूंगा तुम्हारा बेस ऐसा स्ट्रॉन्ग कर दूंगा ना तुम खुद किसी को पढ़ा दोगे बस ध्यान से समझना राइट थोड़ी सी वीडियो लंबी हो जाए तो घबराना मत इसे लिख चुके हो मैं ऐसा मान रहा हूँ क्लास में तुम्हें डीपली समझा रहा हूँ देखो तो टाइम तो लगेगा मैं समय नहीं देख रहा कि छोटी वीडियो बनाऊंगा तो बच्चे ज्यादा देखेंगे ऐसा कुछ नहीं है मैं पूरा सिखा रहा हूँ तुम्हें मन से सपोर्ट करना तुम्हारा काम है राइट अच्छा सुनो मैंने नगद खरीदा नगद खरीदने की एंट्री क्या होगी पचास का सामान नगद खरीदा तो नगद खरीदने की एंट्री क्या होगी परचेजेज टू कैश अच्छा मैंने उधार खरीदा राइट मान लो आप खरीदा मान लो पंद्रह जनवरी पंद्रह जनवरी को नगद खरीदा राइट अच्छा अब पंद्रह जनवरी को मैंने उधार खरीदा है तो उधार खरीदने की एंट्री क्या होगी परचेजेस टू क्रेडिटर अब क्रेडिटर वो पर्सन है जिससे मैंने खरीदा है राम श्याम मोहन राजू रमेश ठीक है कोई भी हो सकता है वो ठीक है तो ये उधार खरीदा दो महीने बाद आपको पहले लो पैसा मिल गया तो पंद्रह मार्च पंद्रह मार्च को आप पैसा मिलेगा आपको तो पैसा मिलने की एंट्री क्या होगी क्लास कैश अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर्स अकाउंट कितना है क्लास पचास हजार पचास हज़ार आप चीजें खरीदोगे तो एंट्री क्या करते हो क्लास परचेजेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट राइट अच्छा और आप अगर क्रेडिटर से पैसा लेते हो तो सॉरी पैसा दे दोगे या, मैं क्या लिख दिया एक सेकंड आपने खरीदा तो परचेज टू क्रेडिटर्स पेमेंट करोगे तो यही क्रेडिटर्स डेबिट होंगे भैया क्रेडिटर को पैसा देंगे लेंगे थोड़ी लेते किससे हैं डेटर से देते किसको हैं क्रेडिटर्स तो क्रेडिटर्स टू कैश आपने पेमेंट कर दिया अच्छा सुनो यहां पे क्रेडिटर्स क्रेडिट था यहां डेबिट था तो कैंसिल हो गया भाई तराजू में इधर भी एक किलो रख दोगे इधर भी एक किलो रख दोगे तराजू तो अभी भी बराबर आएगा तो परचेज यहाँ पे क्रेडिटर क्रेडिट था क्रेडिट और यहाँ पे डेबिट कैंसिल हो गया तो बचा क्या परचेज डेबिट कैश क्रेडिट तो अल्टीमेटली इस एंट्री में और इन दोनों एंट्री के कंबाइन में कोई डिफरेंस नहीं है तो आप क्या सीख रहे हो कि देखो अभी भी ये जो डेबिट क्रेडिट वो कैंसिल हो ही जाएगा परचेस डेबिट यहाँ भी बस नगद में तुरंत पैसा आता है उधार में ये पैसा कुछ दिन बाद आता है कुछ महीने बाद आता है बस एंट्री सेम है इफेक्ट सेम है तो कुल मिला जितनी भी चीज़ें खरीदेंगे तो परचेज को डेबिट करेंगे जितना पैसा जाएगा तो कैश को क्रेडिट करेंगे राइट अच्छा कंबाइन एंट्री मान लो आपने आपने खरीदा एक लाख का सामान तो आप सीख गए ना तो परचेज को डेबिट कर दो एक लाख ठीक है सर बताओ कितना पैसा दिया साठ हजार पेमेंट किया टू कैश साठ हजार फिर आप क्या बोलोगे भाई तो डेबिट तो एक लाख से हो गया इसका मतलब चालीस हजार आपने उधार खरीदा है जिससे उधार खरीदते हैं उसे क्या बोलते हैं क्रेडिटर्स अकाउंट तो परचेज अकाउंट, तो अकाउंट डेबिट टू कैश टू क्रेडिटर तो एंट्री बनाना सीखो अभी तक तीन चीजें क्लियर हुई है हमारी इंट्रोड्यूस कैपिटल ड्रॉइंग्स और परचेज आगे देखते हैं काफी सीखेंगे आज सेल्स अब सेल्स हम नकद ही बेच सकते हैं है ना कैश सेल्स नकद बेचेंगे तो एंट्री क्या होगी और उधार भी बेच सकते हैं हम लोग क्रेडिट सेल क्रेडिट सेल का मतलब उधार बेचा और कैश सेल का मतलब नकद बेचा तो कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है क्लास कैश सेल्स की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अगर हम कोई भी चीज़ नकद बेचते हैं तो कैश सेल्स की एंट्री क्या होती है कैश अकाउंट डेबिट अकाउंट नगद बेचते हैं तो कैश अकाउंट टू है, राइट उधार देखो cash sales में cash debit क्यों हुआ? क्योंकि बेचेंगे तो पैसा आएगा तो कैश डेबिट और सेल इनकम है तो सेल हो गया क्रेडिट उधार बेचोगे तो कैश तो डेबिट नहीं होगा क्या डेबिट होगा डेटर कोई चीज डेबिट क्रेडिट का ना समझ आए ना कमेंट सेक्शन में पूछ लेना राइट टू सेल्स अकाउंट तो एंट्री क्या होगी डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अगर आप नकद बेचते हो तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट उधार बेचोगे तो डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट अगर दोनों थोड़ा आधा 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 उधार बेचोगे तो कैश डेबिट डेटर डेबिट सेल्स तो दो बार लिखोगे नहीं तो सेल्स को जोड़ के क्रेडिट कर देना पचास हजार कैश डेबिट पचास हजार डेटर डेबिट टू सेल्स एक लाख सिंपल तो अगर आपने उधार बेचा है अच्छा अगर आपने उधार बेचा और ग्राहक को पसंद नहीं आया तो वो रिटर्न भी तो कर सकता है ना अगर उसे पसंद नहीं आया ठीक है तो रिटर्न तो अगर रिटर्न हुआ बिल्कुल पलट देना इसी एंट्री को पलट देना क्या करोगे आप सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू डेटर्स तो पहले डेटर जो था वो डेबिट था अभी डेटर क्या आ गया है क्लास वो क्रेडिट हो गया तो अगर उधार बेचोगे तो डेटर टू सेल रिटर्न आएगा तो सेल्स रिटर्न टू डेटर ये आप क्लास करोगे एंट्री उधार बेचोगे तो डेटर टू सेल रिटर्न आएगा तो सेल्स रिटर्न टू डेटर्स डन अच्छा अगर आपने उधार बेचा है अगर आपने उधार बेचा ठीक है तो कभी तो तुम्हें पैसा मिलेगा ना तो पैसा मिलेगा तो यहाँ पे लिखो कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स तो कभी तो तुमको पैसा मिलेगा ना डेटर से जब तुमको तो डेटर से पैसा मिलेगा तो आप एंट्री क्या पास करोगे कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट कैश अकाउंट डेबिट टू डेटर्स अकाउंट तो जैसा मैंने कहानी तुम्हें परचेज में सिखाया था कॉपी में देखो आपने लिख रहे हो मेरे साथ साथ जैसा परचेज में दिखाया था सेल में बिल्कुल उसका उल्टा कर रहे हैं परचेज में परचेज टू कैश सेल्स में कैश टू सेल्स उधार में वहां पे क्रेडिट था यहाँ डेटर है डेटर डेबिट था पैसा मिल जाएगा तो वही डेटर क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा यानी कि क्रेडिट जब आपने बेचा तो डेटर टू सेल पैसा मिला तो कैश टू डेटर कैश डेबिट क्यों हुआ पैसा आ रहा है डेटर क्यों क्रेडिट हुआ क्योंकि डेटर का बैलेंस डेबिट होता है बढ़ेगा तो डेबिट उधार बेचा डेटर बढ़ गया डेबिट वापस मिल गया डेटर कम हो गया क्रेडिट बाकी रिटर्न है बिल्कुल इसका उल्टा रिटर्न में तुम्हें दिमाग लगाना नहीं है सिर्फ इसका उल्टा कर देना है कोई खरीदने की एंट्री क्या होती है परचेज टू क्रेडिटर रिटर्न की क्रेडिटर टू परचेज रिटर्न बेचने की एंट्री डेटर टू सेल्स रिटर्न की एंट्री उल्टा सेल्स रिटर्न टू डेटस सेल्स रिटर्न को कई टीचर्स रिटर्न इनवर्ड भी लिखते हैं ठीक है इनवर्ड बेचा था अंदर आ गया रिटर्न इनवर्ड तो सच कहूं तो और सेल तो सबसे ज्यादा है बिकॉज किसी भी बिजनेस में परचेज सेल ना हो ऐसा कैसे हो सकता है तो कुछ ना कुछ परचेज सेल तो होगा ही होगा राइट अच्छा पैसा बैंक में जमा कर दिया और पैसा बैंक से निकाला पैसा बैंक में तब जमा करते हैं जब हम ओपन करते हैं ओपन एंड ओपन अ एं, करेंट अकाउंट ओपन करंट अकाउंट अच्छा अकाउंट क्या होता है सुनील पांडा का बिजनेस का रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का जो अकाउंट है वो करंट अकाउंट करंट अकाउंट मतलब बिजनेस का जो नाम है वो करंट अकाउंट है तो अब अगर आप अकाउंट आप खुलवाते हो या आप बैंक में पैसा जमा करते हो वो बात बराबर अकाउंट खोलते हो तो पैसा जमा करना पड़ता है बैंक में राइट right? तो अगर आप पैसा बैंक में जमा करोगे तो किसका बैलेंस बढ़ेगा मुझे बताओ बैंक का बैलेंस बढ़ेगा और किसका घटेगा कैश का तो अगर आप पैसा बैंक में जमा कराते हो तो उसकी एंट्री क्या होती है बैंक टू कैश आप क्या लिखोगे कैश डिपोजिटेड इनटू बैंक कैश डिपोजिट इनटू बैंक अगर आप पैसा बैंक में जमा करोगे तो एंट्री क्या होगी बैंक टू कैश देखो कैश का भी असेट होता है और बैंक का भी असेट होता है दोनों असेट है दोनों का बैलेंस डेबिट होता है तो जो बढ़ेगा वो डेबिट जो घटेगा वो क्रेडिट तो मैं जेब से दस हज़ार रुपये निकाल के बैंक में जमा कर रहा हूँ तो मेरे कैश का बैलेंस कम हो गया इसीलिए कैश क्रेडिट लेकिन मेरे बैंक का बैलेंस दस हज़ार बढ़ गया इसीलिए बैंक क्या हो गया डेबिट अगला मैं पैसा बैंक से विड्रॉ करता हूँ भाई मैं जमा करता हूँ तो कल को निकाल भी सकता हूँ तो अगर मैं निकालूंगा तो मेरे पास पैसा आ जाएगा तो कैश अकाउंट डेबिट और मेरे बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा तो बैंक अकाउंट क्रेडिट तो अगर मैं जमा करता हूं तो मेरा कैश कम हो जाएगा निकालूंगा तो मेरा कैश बढ़ जाएगा तो कैश बढ़ गया तो कैश डेबिट यहाँ कैश घट गया है, कैश क्रेडिट लेकिन मैं पैसा बैंक में जमा करूंगा तो मेरा बैंक का बैलेंस बढ़ जाएगा तो बैंक डेबिट और यहाँ पे बैंक का बैलेंस कम हो जाएगा तो बैंक क्रेडिट बात समझ आ गई ना क्लास तो ये बिल्कुल सिंपल सिंपल सा फंडा है इसे वीडियो पॉज करके आराम से नोट कर लो अच्छा अब एक्सपेंसिस एंड इनकम मैं कोई भी खर्चा कर रहा हूं कोई भी खर्चा कैसे कैसे खर्चे हो सकते हैं रेंट सैलरी इंश्योरेंस वेजेस इंटरेस्ट टेलीफोन बिल ट्रांसपोर्टेशन कन्वेंस रिपेयर मेंटेनेंस कितने भी खर्चे तो आप सबको पता है कि सारे खर्चे डेबिट होते हैं <coughs> तो एक्सपेंस की एंट्री क्या होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट और पैसा जाएगा टू कैश अकाउंट एक्सपेंस मेड या एक्सपेंस इनकर्ड तो जो भी आप खर्चा करते हो तो उसकी एंट्री क्या होगी एक्सपेंसेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट अच्छा जो भी इनकम होगी तो कमाई तो मिलेगा खर्चा तो होता है कमाई तो मिलता है तो कमाई मिलेगा तो एंट्री क्या होगी कैश टू इनकम एक्सपेंस की एक्सपेंस टू कैश इनकम की कैश टू इनकम लिखोगे इनकम अर्न इनकम अर्न एंड रिसीव लिख दो कैश एक्सपेंस इनकर्ड एंड पेड खर्चा हुआ और पैसा दे दिया कमाई हुई और पैसा मिल गया है ना तो एक्सपेंस की एंट्री करोगे एक्सपेंस टू कैश इनकम की एंट्री करोगे कैश टू इनकम्स मेरी बात उम्मीद है समझ आ रही होगी राइट नेक्स्ट अच्छा सुनो मैंने सामान खरीदा गुड्स खरीदा तो जब भी हम गुड्स खरीदते हैं तो हम वर्ड यूज करते हैं परचेस गुड्स को बेचेंगे तो वर्ड यूज करेंगे सेल परचेज और सेल्स जो होता है वो गुड्स के लिए होता है गुड्स स्टॉक के लिए जो बिजनेस में रखा हुआ माल है जिसको बेचना हमारा पर्पस है इसको बेचने के लिए ही बैठे हुए हैं लेकिन अगर तुम फिक्स असेट को बेचोगे या फिक्स असेट को खरीदोगे कोई भी फिक्स असेट को अगर आप बेचते हो या फिक्स असेट को खरीदते हो लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी कंप्यूटर फर्नीचर इन चीज़ों का अगर आप खरीद बेच करते हो तो अगर आपने परचेज किया है ऑफ फिक्स असेट लिखो Purchase of fixed assets. कोई भी fixed asset आपने purchase किया, फर्नीचर कुछ भी फिक्स एसेट परचेज किया तो वो लोग क्लास आएगा क्या आपके पास आएगा क्या फिक्स एसेट्स आएगा क्या फिक्स एसेट और जाएगा क्या कैश चेक से दोगे तो क्या जाएगा क्लास बैंक तो एंट्री करोगे फिक्स असेट टू कैश या बैंक समझ आ गया क्लास आपको तो कोई भी फिक्स असेट अच्छा पैसा क्यों जा रहा है कैश क्यों जा रहा है क्योंकि कैश का रूल क्या है आएगा डेबिट जाएगा क्रेडिट तो कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट हमारे पास आया क्या बिल्डिंग आया तो बिल्डिंग टू कैश मशीन आया तो मशीन टू कैश फर्नीचर आया तो फर्नीचर टू कैश राइट अच्छा अगर इसे बेचोगे बिल्कुल उल्टा सेल का बिल्कुल उल्टा है सेल ऑफ फिक्स असेट देखो मैं धीरे धीरे ना प्रॉफिट लॉस को भी ऐड करूंगा वो धीरे धीरे करूंगा ठीक है तो क्योंकि सेल पे प्रॉफिट लॉस भी हो सकता है खरीदते हो तो एफ एड टू कैश बेचोगे तो पैसा आएगा और क्या जाएगा वही फिक्स असेट चला जाएगा बिल्डिंग मशीन जो भी है नाम लिख देना तो खरीदते हो तो फिक्स असेट टू कैश बेचोगे तो कैश टू फिक्स असेट मतलब काफ़ी सारी एंट्री ऐसी हैं इसके अंदर जो बिल्कुल रिवर्स हैं तो तुम्हें रट्टा नहीं दिमाग लगाना है राइट अच्छा अब अगर तुम क्लास सेल अच्छा परचेज हो गया सेल हो गया कोई भी हो बिल्डिंग बेचते हो तो कैश टू बिल्डिंग मशीन बेचोगे तो कैश टू मशीन खरीदोगे तो मशीन टू कैश बिल्डिंग टू कैश इस तरीके से आप एंट्री करोगे <coughs> आखिरी एंट्री डेप्रीशियेशन मेरा सबसे पहला सवाल आप लोगों से डेप्रीसी खर्चा है या कमाई है डेप्रिसिएशन नॉन कैश एक्सपेंस होता है किसी भी फिक्स असेट को अगर हम यूज़ करते हैं तो उसको यूज़ करने से उसकी वैल्यू कम हो जाती है वो एक लाख की नब्बे हज़ार रह जाती है फिर सत्तर हज़ार रह जाती है फिर पचास हज़ार फिर दस हज़ार रह जाती है उसकी वैल्यू कम होती चली जाती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं अगला डेप्रिसन जो वैल्यू कम हुई है तो डेप्रीसीन फिक्स असेट पर लगता है तो जब भी डेप्रीसीन लगेगा जब भी डेप्रीसीन लगेगा उसकी एंट्री क्या होगी डेप्रिशिएशन अकाउंट डेबिट खर्चा है इसलिए डेबिट किया डेशन खर्चा है इसीलिए इसको डेबिट किया और किस पे लगता है तो फिक्स तो बढ़ता है डेबिट होगा बेचोगे तो क्रेडिट होगा और डेप्रिशिएशन लगेगा तो भी क्रेडिट होगा की वैल्यू बढ़ेगी कब जब खरीदेंगे घटेगी कब जब डेप्रीसिएशन लगेगा और जब बेचेंगे मैं पांच हजार का पेन खरीदा आज इसकी कीमत चार हजार है क्योंकि इसकी वैल्यू घिसते घिसते कम हो गई है तो उसी कम को बोलते हैं डेप्रिसिएशन और नरेशन भी आप लिखोगे फॉर्मेट के अंदर डालोगे तो नरेशन भी लिखोगे डेशन चार्ज ऑन फिक्स असेट डेप्रीशियेशन चार्ज ऑन फिक्स असेट क्या आपने फिक्स असेट पर डेप्रीशियेशन चार्ज किया ओके okay, तो डेप्रीशियन खर्चा है इसलिए डेबिट हुआ अच्छा कैश क्यों नहीं किया क्योंकि डेप्रीशिएशन नॉन कैश एक्सपेंस ये होता क्या है जैसे मैंने वो ये पेन खरीदा मैंने पांच हजार का मुझे बताया ये पांच महीने चलेगा तो हर महीने हजार हजार रुपये अपनी कमाई से निकाल के रखता चला जाऊंगा साइड में यह पैसा मैं किसी को दे नहीं रहा तो पैसा बाहर नहीं जा रहा पैसा तो बिजनेस के अंदर है लेकिन खर्चा हो गया ऐसा मानेंगे कि हाँ ये ये हज़ार रुपये खर्च हो गया और अलग से गुल्लक में डाल दिया जिस दिन पाँच महीने बाद ये खराब हो जाएगा गुल्लक तोड़ के नहीं तो जब खरीदेंगे तब परचेस टू तब आ, मतलब कि पेन टू कैश तब एक अलग एंट्री होगी बट फिलहाल डेप लगाने की एंट्री है तो डेप्रीशिएशन अकाउंट डेबिट टू तो फिक्स एसेट ये एंट्री पास होगी ओके तो आज हमने काफ़ी सारी एंट्री देखी मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ प्लीज़ आप इन सबको याद करके आना इंट्रोड्यूस कैपिटल ड्रॉइंग्स फिर परचेस की पूरी एंट्री फिर सेल्स की पूरी एंट्री फिर पैसा जमा किया निकाला फिर एक्सपेंस इनकम फिर फिक्स असेट को खरीदा बेचा और फिक्स असेट पर डेप्रिसिएशन तो अगर आप इतनी एंट्री मैंने काफ़ी कुछ कराया बहुत लंबी क्लास होगी आज की बट प्लीज़ ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है तुम्हें सीखना है एग्जामिनेशन के लिए नहीं जिसको ये नहीं आया समझ लो उसे हर जगह दिक्कत आएगी पूरे इलेवंथ में पूरे ट्वेल्थ में ग्रेजुएशन में रियल लाइफ में भी तुम्हें दिक्कत आएगी यकीन मानो क्लास बड़ी बात नहीं करूंगा बच्चे जब ग्रेजुएशन के बच्चे पेपर देकर आते हैं ग्रेजुएट के बाद वो इंटरव्यू देने जाते हैं ना तो इंटरव्यू में भी ये चीज़ पूछी जाती है उनसे आप पूछो अपने सीनियर से नहीं तो घर में कोई अकाउंटेंट होगा उनसे पूछो कि कितना इंपॉर्टेंट है आप एंट्रीज अगर नहीं जानते तो आप टेलीसॉफ्टवेयर भी नहीं चला पाओगे अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर चला ही नहीं पाओगे आप ये नहीं जानते तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट तो पढ़ के आना समझ के आना मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या मैंने ईको का प्ले अटैच कर दिया तो आप ईको मेरे साथ साथ प्रिपरेशन कर सकते हो अगर आपको लग रहा है सुनील सर हमारी हेल्प कर रहे हैं अच्छे से पढ़ा रहे हैं इलेवंथ के बच्चों के लिए तो प्लीज़ यार सारे क्लास एलेवन के बच्चों की वीडियो शेयर करो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए टेक केयर बाय बाय